दोस्तों नमस्कार। आज 10 अक्टूबर सन 2022 आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पॉमेलिन ऑयल की। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खाद्य तेलों के भाव बहुत जल्दी घटने के बाद पिछले कुछ दिनों से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एडिबल ऑयल में देखा जा रहा है। यदि हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई के मार्केट में पॉमेलिन का भाव घटकर प्रति 10 किलो 860 रुपये हुआ था, अब बढ़कर 940 रुपये से 945 रुपये बताया जा रहा है। इसी प्रकार सोया तेल रिफाइंड का भाव घटकर 10 किलो का भाव 990 रुपये था, अब बढ़कर 1150 रुपये हो गया है। और सनफ्लावर ऑयल घटकर 10 किलो का भाव जो 1250 था, वो बढ़कर अब 1380 से 1400 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि 15 सितंबर के बाद एक बार एडिबल ऑयल्स के अंदर तेजी आएगी, जो कि अक्षरत सत्य साबित होती देखी जा रही है। इसका प्रमुख कारण ये भी था कि भारतीय रुपया की बहुत तेज़ी से डिवेल्यूशन की वजह से आयातित तेल जो हैं वो महंगे हो गए हैं, और भारतीय रुपया लगातार घटता जा रहा है। इसका असर एडिबल ऑयल के इम्पोर्ट पर भी पड़ रहा है। अब आगे दिवाली के त्यौहार में भी डिमांड निकलने से रिटेल और होलसेलर्स को स्टॉकिंग करने की जल्दी हो रही है, और उनको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वह डिमांड मीट नहीं कर पाएंगे। यदि हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो मलेशियन पाम तेल वायदा जो पिछले सात ट्रेडिंग सेशन के अंदर 600 रिंगट तक बढ़ गया है, और क्रूड तेल में भी तीव्र 10 डॉलर का तेज उछाल दिया है। ये इंटरनेशनल मार्केट में भाव सुधरा, इसका सीधा असर भारतीय खाद्य तेलों पर मार्केट पे भी दिखाई दिया है। गौरतलब है कि कुछ प्रमुख ऑयल विशेषज्ञ एडिबल ऑयल विशेषज्ञ ने विभिन्न मीडिया में आकर पाम ऑयल के अंदर और बड़ी गिरावट की बात कही थी, जो कि अब विपरीत होती नज़र आ रही है। मुंबई में एक सप्ताह पहले दैनिक मात्र 200 से 300 टन का व्यापार होता था, अब बढ़कर 1000 टन से अधिक का व्यापार पाम में हो रहा है। चीन में 1 से 7 तारीख तक छुट्टियां थी, अब चीन का बाज़ार भी खुलने से चीन के अंदर भी डिमांड बढ़ने की संभावना है, और इसका असर पूरे बाज़ारों पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि हमने आपको अपने पिछले शो के इसके अंदर अर्जेंटीना से चीन की बड़ी मात्रा में सितंबर माह में बड़ी मात्रा में सोयाबीन एंड सोया ऑयल की खरीदी का आपको अग्रिम आपको सूचना दी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपको देश दुनिया की खबर से रूबरू कराते रहें। पॉमेलिन का भाव दिवाली तक अब धारणा लगाई जा रही है 1000 रुपये हो सकता है, लेकिन सोया तेल रिफाइंड में भारी तेजी की संभावनाओं से कुछ व्यापारी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अब देखना यह है कि सोयाबीन, पॉमेलिन और ग्राउंडनट यानी मूंगफली का तेल, और इन सभी के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है। लेकिन ये निश्चित है कि बाज़ारों के अंदर अब भारी उतार चढ़ाव होगा, और इसकी विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भुगतान करने पर पेड रिपोर्ट भी उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि हमने आपको साल 2021 के अंदर सितंबर अक्टूबर में भी आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ था। साथ साथ में साल 2022 के अंदर भी आपको जनवरी फरवरी के अंदर जब सरकार ने सोया तेल, सोयाबीन, सरसों इन सभी पर NCDX पर रोक लगाई थी, उस वक्त भी हमने अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि इस रोक से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के आधार पर बढ़ और घटते हैं, और क्योंकि भारत खाद्य तेलों का नेट इम्पोर्टर है और अपनी आवश्यकता का लगभग 50% बाहर से इम्पोर्ट करता है। अतः घरेलू स्तर पर कोई बहुत बड़ा प्रयास खाद्य तेलों की तेजी मंदी में कोई विशेष असर शायद ना डाले, और अक्सरत वैसा ही हुआ। कुछ महीनों में ही जो तेल 1020 सोया तेल का बिक रहा था, वो 1650-1700 रुपये तक बिक गया। तो दोस्तों, अग्रिम विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कपास
पास के पर हमारी विशेष रिपोर्ट तैयार है, आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर बाज़ार हो या फिर कमोडिटी बाज़ार, कच्चा तेल हो या फिर सोना चांदी, कॉपर एल्युमिनियम या फिर स्टील, इन सभी के लिए हमारे चैनल को आप देखना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमने आपको कल संडे को ही निफ्टी के कुछ लेबल्स दिए थे, आज चेक कीजिए बाज़ारों में वही लेबल्स एग्जैक्टली काम आए। आप हमारे चैनल पर शेयर बाज़ार की यदि आप ट्रेडर हैं तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।